वहीं दूसरे मामले में हाउसिंग बोर्ड चरोदा निवासी सुनील शर्मा के अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी रानी शर्मा ने ही अपने प्रेमी धीरज कश्यप के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। पत्नी रानी शर्मा ने देनदारी की रकम से छुटकारा पाने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। आरोपी धीरज कश्यप के कोविड पॉजिटिव हो जाने से वह अस्पताल में भर्ती था। उसके डिस्चार्ज होते ही भिलाई 3 CSP की सिविल टीम ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने रानी शर्मा के साथ इस हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकारा। CSP विश्वास चंद्राकर द्वारा गठित विशेष सिविल टीम सुनील शर्मा की हत्या के बाद से ही उसकी पत्नी रानी शर्मा पर निगाहें रखी हुई थी। दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने पर हत्याकांड का खुलासा हो सका। पूरे मामले की जानकारी ASP संजय ध्रुव ने मीडिया को दी है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 4 दिन पूर्व एक हत्या हुई थी चरोदा गांव में, और उसी पर से चरोदा थाना भिलाई नगर 3 के थाना प्रभारी और CSP की टीम ने इस मामले को पर्दाफाश किया है। इसमें जो मृतक है, मृतक की पत्नी और उसका जो दोस्त है, वो दोनों आरोपी हैं, और हम लोगों ने अभी इनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के उपरांत इनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाएगा। जो मृतिका की पत्नी है, दूसरा उसका दोस्त है धीरज कश्यप, और दोनों मुख्यतः, और जो मृतक है, मृतक के जो शराब नोशी और घर परिवार को परेशान करने की बात से लेकर परेशान थे, और आर्थिक रूप से भी कई इशू हैं जिनको लेकर इनके मन में उनको रास्ते से हटाने की बात हुई थी।